नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था। सेल साइकिल में G1S G2 मींस हम इंटरफेज के बारे में पूरा पढ़ चुके। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज थी वो थी डिवीजन फेज, जिसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था। पहली थी डिवीजन फेज माइटोसिस, दूसरी थी मियोसिस। मतलब दो तरह से डिवीजन हो सकता है, या तो माइटोसिस से या मियोसिस से। ठीक है, आज हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, समसूत्री, या इसको हम बोल देते हैं क्या, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल मीन एक तरह से इक्वल डिवीजन। इक्वल का मतलब क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं, गुणसूत्र के जो नंबर होंगे, वो नंबर क्या होंगे, पेरेंट या पैतृक कोशिका में जितने होंगे उतने ही डॉटर कोशिका, ये हम बोल सकते हैं डॉटर सेल्स, कौन सी, पुत्री कोशिकाओं में होता है। देखो जैसे मान लो कोई सेल है, कोई कोशिका, उसमें गुणसूत्रों के नंबर कितने हैं, 2n, डिप्लोइड है, द्विगुणित है, और जब डिवीजन हुआ तो उससे दो 2n 2n सेल बन गई, मतलब द्विगुणित सेल बन गई। गुणसूत्रों का नंबर ना तो कम हुआ ना ज्यादा हुआ, इसलिए क्या बोलेंगे इसे हम, समसूत्री या माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस के अंदर हमने जो सेल डिवीजन की फेजेस है उनको चार फेजेस में डिवाइड किया है। पहली है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज, एंड फोर्थ है टिलोफेज। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट है प्रोफेज। प्रो मींस फर्स्ट, इंग्लिश में प्रो मींस फर्स्ट होता है। प्रोफेज मतलब पहली अवस्था। पहली अवस्था मींस कि डिवीजन की पहली अवस्था। डिवीजन की पहली मतलब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि G2 इंटरफेज में लास्ट स्टेज कौन सी थी, G2 थी, गैप 2 थी। उससे फिर M अवस्था आती है, मतलब M में पहली अवस्था कौन सी है, प्रोफेज। इसमें माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर जो कल हमने पढ़ाया था, ठीक है, वो काम करेगा, वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होते ही प्रोफेज स्टार्ट हो जाएगी। अब प्रोफेज में क्या होता है, देखो प्रोफेज में ये मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, डिटेल तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन हमें कम से कम ये पॉइंट तो याद रखने ही है। ये की पॉइंट्स है, देखो क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम कंडेंसेशन एंड डिहाइड्रेशन अकर। क्रोमोसोम कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब एक तरह से संघनन, और डिहाइड्रेशन मींस निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब ये दो इवेंट होंगे, संघनन होगा। देखो कल हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें ये था कि गुणसूत्र डीएनए से गुणसूत्र कैसे बनता है, डीएनए से क्रोमोसोम कैसे बनता है, ये कल हमने पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि संघनन होता है या कंडेंसेशन होता है। ठीक है, G2 मतलब एक तरह से एस फेज से, कहाँ से, एस से G2, G2 से M, यहाँ तक क्या होगा, ऐसा कंडेंसेशन होगा, और फिर बाद में डीकंडेंसेशन होता है। तो मतलब कंडेंसेशन या संघनन स्टार्ट हो जाएगा ज्यादा किसमें, एम फेज में। जब कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन वो क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में होंगे। देखो डीएनए जो था वो दिखाई नहीं दे रहा था सेल के अंदर, लेकिन वो डीएनए जब कंडेंस्ड हुआ, संघनित हुआ, तो हमें दिखाई देने लग जाएगा, और वो होती है स्पाइरिनियम स्टेज। प्रोफेज के अंदर स्पाइरिनियम स्टेज होती है, स्पाइरल फॉर्म में बोल सकते हैं, या बॉल ऑफ वूल, एक ऊन के गोले के जैसा, जैसे ऊन का गोला हमें दिखाई देता है, उस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ठीक है, सेंट्रियोल डिवाइड्स एंड मूव्स टू अपोजिट पोल। देखो ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल की दो यूनिट ऐसे होती है, ठीक है, इस तरह से दो यूनिट है ये, और ये दोनों यूनिट आपस में टूट जाती है, एक इस तरफ मूव कर रही है, एक इस तरफ मूव कर रही है, और दोनों अपने पोल, जो दो अपोजिट पोल है, विपरीत पोल है, उस तरफ आके ये रुक जाएगी। इन सेंट्रियोल का काम क्या है, तर्कु तंतु का बनाना, तर्कु तंतु, या हम इसे बोलते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। ठीक है दोस्तों, तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन करेगा, सेंट्रियोल या तारक केंद्र, तारक केंद्र डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स इनटू स्मॉल वेसिकल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या हम बोलेंगे केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली टूटना स्टार्ट हो जाती है, छोटी छोटी वेसिकल्स में, या हम बोलेंगे वेसिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वेसिकल मीन्स आशय, तो छोटे छोटे आशय में, ये आशयों में ये टूट जाएगी। न्यूक्लियोलस सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियोलस मीन्स क्या होता है, केंद्रिका, तो केंद्रिका
एंड सेल ऑर्गेनल्स मीन्स कोशिकांग, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिसअपियर मतलब एक तरह से लुप्त हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। किस अवस्था में, प्रोफेज अवस्था में, ठीक है। तो ये इवेंट्स याद रखने हैं। यहाँ पे एक नोट डाल के दे रखा है मैंने, प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, मतलब तारक के अंदर अनुपस्थित होगा। तो यहाँ पर तर्कु तंतु कौन बनाएगा, यहाँ पर याद रखना है तुम्हें, गामा ट्यूबुलिन होती है। गामा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है, ये प्रोटीन ही क्या बनाती है, स्पिंडल फाइबर बनाती है, ये ध्यान रखना, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। गामा ट्यूबुलिन जैसे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन तो क्या बनाती है, तर्कु तंतु बनाती है, लेकिन जो मेन जो केंद्र जो होता है, कोर होता है, वो कोर कौन बनाता है, गामा ट्यूबुलिन जो प्लांट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनता है ना, वो बोलता है एन एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर, ये ध्यान रखना आप लोग, क्या बनता है, एन एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर। आगे नेक्स्ट दूसरी फेज है, वो है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो हाईली कंडेंस्ड हो गए। कल हमने पढ़ा था कि जी एम फेज में मेटाफेज तक आते आते क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता रहता है, ठीक है। मेटाफेज में मैक्सिमम हाईली, या बोल सकते हैं मैक्सिमम अधिकतम यहाँ पर कंडेंस हो जाएंगे। अधिकतम कंडेंस का मतलब क्या है, ये इससे ज़्यादा कंडेंस्ड हो ही नहीं सकते, ठीक है। अर्थात क्या होगा, हम देखते हैं ये क्रोमोसोम जो है, इनका साइज जो था, मतलब जो थिकनेस थी, ये ध्यान रखना, साइज और थिकनेस, थिकनेस मतलब इनकी मोटाई तो बढ़ जाएगी और साइज में थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्लियर कट स्टडी कर सकते हैं किसकी, क्रोमोसोम के शेप साइज स्ट्रक्चर संरचना, ठीक है। तो हम ये इसके बारे में पढ़ सकते हैं, मतलब आकारिकी स्टडी के लिए ये मेटाफेज बेस्ट अवस्था है, ठीक है, इसका बाहरी स्वरूप देखने के लिए, ठीक है। आगे एक पॉइंट याद रखना, कंग्रेशन या इसे बोलते हैं मेटाकाइनेसिस, क्या होता है, देखो मेटाकाइनेसिस या कंग्रेशन क्या होगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा कि कंग्रेशन क्या होता है, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये इन दोनों के बीच की स्टेज है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल था, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है स्पिंडल फाइबर, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, संकुचित होगा, कॉन्ट्रैक्शन या हम बोल सकते हैं संकुचन, संकुचित होगा, ये वाला तो ये इधर बग जाएगा, ये क्रोमोसोम है इधर मूव करेगा और ये क्रोमोसोम है नीचे की तरफ मूव करेगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा। इससे क्या होगा, ऊपर वाले क्रोमोसोम नीचे, नीचे और ऊपर, मतलब दोनों क्या होंगे, सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आने की कोशिश करेंगे, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आने की, इक्वेटर मतलब एक तरह से बीच में आने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बीच में आने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं क्या, मेटाफेजिक प्लेट, मतलब क्रोमोसोम की क्या टेंडेंसी होती है कि ये मेटाफेजिक प्लेट पर आने की कोशिश करते हैं, किस मैकेनिज्म के थ्रू, कंग्रेशन के थ्रू। कंग्रेशन क्या है, या मेटाकाइनेसिस क्या है, मेटाकाइनेसिस, काइनेसिस मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर टू ब्रिंग क्रोमोसोम ऑन इक्वेटर टू फॉर्म मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। आगे हम यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लोग अधिकतर ध्यान नहीं देते हैं, वो ध्यान देनी तुम्हें कि पोलरिटी, पोलरिटी क्या होती है, मीन्स जो स्पिंडल फाइबर है इनकी पोलरिटी क्या होगी। देखो ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल पर होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब इधर पोलरिटी नेगेटिव होगी माइक्रोट्यूबुल की, और जो क्रोमोसोम के पास है ये जो अटैच होता है यहाँ होती है पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव सेंट्रल की तरफ होती है, पॉजिटिव किधर होगी, इसके डिटेल हम साइटोस्केलेटन या कोशिका का जो कंकाल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, तब डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। बस अभी ध्यान रखना कि यहाँ पे पॉजिटिव होता है चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, किसमें, स्पिंडल फाइबर में, किसकी है ये, स्पिंडल फाइबर की पोलरिटी, ठीक है। ये हो गया मेटाफेज कंप्लीट। मेटाफेज में थोड़ा सा और ध्यान देना है ये कि जो स्पिंडल फाइबर बन रहे थे ये तीन तरह के होते हैं, एक तो क्रोमोसोमल, इसको काइनेटोकोर भी बोल देते हैं अपन, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो अटैच हो रहा है किससे, काइनेटोकोर से या क्रोमोसोम से, ये हो गया काइनेटोकोर। एक होता कंटिन्यूस, ये हो गया कंटिन्यूस, जो एक पोल से दूसरे पोल से लगातार
जुड़ा हुआ है। एक बता डिसकंटिन्यूअस मीन्स इसे बोल सकते हैं अपन, ये वाला जो ये यहाँ से यहाँ तक है, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक ही हो, इस तरह से जो छोटे छोटे हैं जो कंटिन्यूअस नहीं है वो डिसकंटिन्यूअस। एक कंटिन्यूअस मीन्स एक पोल से दूसरे पोल तक, ये एक पोल से दूसरे पोल नहीं जा रहा है, ये एक पोल से दूसरे पोल जा रहा है, ये क्रोमोसोम पर जा रहा है, इस तरह से तीन प्रकार के क्या होंगे स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतु का निर्माण होता है। अब है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, सबसे मेन पॉइंट है, मैंने कल ही बताया था कि यहाँ पर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक्टिव हो जाएगा। APC एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये रहा एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाएगा। देखो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिव होते ही एक एंजाइम है सेपरेज एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, सेपरेज एक्टिव हो जाएगा। सेपरेज क्या करता है, देखो सेपरेज स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ सेंट्रोमियर। क्या होगा कि ये सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहाँ है, जैसे ये क्रोमोसोम है, इसके दो क्रोमेटिड हो गए, ठीक है, तो सेपरेज क्या करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा ये सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर को, सेंट्रोमियर को तोड़ देगा और एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड को ये अलग अलग कर देगा, ठीक है। तो ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग कौन कर रहा है, मतलब स्प्लिटिंग मतलब एक तरह सेपरेट करना, सेपरेट कौन कर रहा है, सेपरेज एंजाइम है, इसको एक्टिव कौन कर रहा है, APC एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जिससे क्या होगा, अब ये सेंट्रोमियर के बीच में यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्या होता है, एक प्रोटीन होती है, उसे बोलते हैं कोहेसिन, इन प्रोटीन को भी क्या करेगा, तोड़ देगा। सेपरेज क्या करेगा, सेंट्रोमियर को तोड़ेगा, दो काम हो गए, एक तो स्प्लिटिंग ऑफ या ब्रेकडाउन ऑफ सेंट्रोमियर, एक तो सेंट्रोमियर को तोड़ेगा और एक क्या करेगा, कोहेसिन प्रोटीन को तोड़ देगा, जिससे क्या हो जाएगा, दोनों क्रोमेटिड्स हैं ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये कौन कर रहा है, APC। आगे देखो, जो ही ये क्रोमोसोम के बीच में से ये सेंट्रोमियर टूट जाएगा, तो देखो एक क्रोमोसोम ये बन गए, एक क्रोमोसोम ये, मतलब जो चार क्रोमोसोम थे इनसे कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, डबल हो गए। ये ध्यान देना आप लोगों कि एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं, चार से क्या हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि मैंने कल ही बताया था क्रोमोसोम ये भी क्रोमोसोम ही है और ये भी क्रोमोसोम ही है, यहाँ पर एक क्रोमेटिड है, यहाँ पे दो क्रोमेटिड है, जब दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे दो नए नए क्रोमोसोम बन जाएंगे, और क्रोमोसोम का नंबर पता करने के लिए नंबर ऑफ फंक्शनल सेंट्रोमियर, ये ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना होता है, ठीक है। आगे एक पॉइंट और ध्यान देना, तो मैं तीसरे पॉइंट पे क्या है, इंटरजोनल फाइबर एक्सपेंड। देखो जो क्रोमोसोम के बीच में ये जो फाइबर है, ये वाला दो क्रोमोसोम के बीच में जो फाइबर बन रहा है, इसे क्या बोलेंगे, इंटरजोनल फाइबर। ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा मतलब फैलेगा, और तू इसे क्या बोलेंगे, पुश, मतलब एक धक्का देगा, ये पुशिंग क्या हो रही है, इंटरजोनल फाइबर, ये फाइबर है ये इसको इधर मूव कराएगा, इस तरफ धक्का देगा, ये इसको इस तरफ, इसे बोलेंगे क्या, पुशिंग। और ये वाले फाइबर है नीचे वाले कौन से हैं, ये क्रोमोसोमल फाइबर, ये जो क्रोमोसोमल फाइबर थे ये इनको इस तरफ खींचेंगे, ये क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, सॉरी पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इनको बोलेंगे पुलिंग। तो ये क्या हो रहा है, पुलिंग कर रहे हैं, ये पुशिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना तुम्हें, इंपॉर्टेंट है, 20 से 25 ATP की जरूरत होती है इस प्रोसेस में, पुशिंग और पुलिंग, ये दोनों प्रोसेस होने में 20 से 25 ATP की जरूरत होगी। और जब ये खींचते हैं तो क्रोमोसोम का जो, जैसे ये तो मैंने सारे मेटासेंट्रिक बनाए हैं, तो सबकी शेप कैसी हो रही है, वी शेप हो रही है ये वाली, ठीक है, ये सब मेटासेंट्रिक होगा तो एल शेप भी होगा, कोई जे शेप होगा और कोई आई शेप होगा, तो ये डिपेंड करता है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया एनाफेज, अब बात करते हैं टीलोफेज में। तो टीलोफेज की, टीलोफेज और एनाफेज, ओ सॉरी टीलोफेज एंड प्रोफेज, ये दोनों स्टेज है, ये अपोजिट है। टीलोफेज जो होगी, टीलोफेज जो है ये अपोजिट होती है, मतलब बिल्कुल विपरीत होगी अपोजिट टू प्रोफेज, ये ध्यान रखना आपको, प्रोफेज के बिल्कुल ये उल्टी होगी। देखो प्रोफेज की उल्टी मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम कंडेंसेशन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, डी कंडेंसेशन। पहला पॉइंट याद रखना है कि प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन हो रहा था, टीलोफेज में क्या होगा, डी कंडेंसेशन। दूसरा सेंट्रियल डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोफेज टीलोफेज में सेंट्रियल तो एक ही है, तो डिवाइड अभी नहीं होगा बल्कि ग्रोथ होगी, अभी आगे के टाइम में ग्रोथ होगी।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स इनटू स्मॉल वेसिकल, यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रिजोइनिंग होगी एक तरह से, या हम बोल सकते हैं दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा बनना स्टार्ट होगी, स्ट्रक्चर सेम ही होगी। न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, यहाँ पर न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगी, अपीयर होगी। जो सेल ऑर्गेनल्स है ये भी क्या हो जाएंगे, अपीयर होंगे। यहाँ पे डीसी पर सेल ऑर्गेनल्स में बात करते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी है, ईआर है, एक्सेट्रा, ठीक है, न्यूक्लियोलस वगैरह, ठीक है। और ये हो गया टेलोफेज। टेलोफेज के बाद में नेक्स्ट आता है साइटोकाइनेसिस, जिसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों कैसा लगा, मैंने मतलब एक ही लेक्चर में लगभग पूरा समसूत्री विभाजन या माइटोसिस समझा दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मीडियम में फ़र्क नहीं आए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी तो इंग्लिश आना बनती है, अगर हिंदी मीडियम में थोड़ी प्रॉब्लम हो भी रही है, फिर भी तुम्हें ये जो टर्मिनोलॉजी है ये तो आना ही है, ज़रूरी है ये तो, ठीक है। तो कोशिश करना कि इंग्लिश में ही थोड़ा याद करें, ठीक है। थैंक यू।